इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महात्मा गांधी के परपौत्र तुषार गांधी ने खादी ग्रामोद्योग के कैलेंडर और डायरी पर प्रधानमंत्री के पोस्टर को लेकर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मोदी जी को 10 लाख का सूट पसंद है, लगता है अब खादी भी महंगी हो गई है, गरीबों से दूर हो चली है। उन्होंने ये कहा कि उन्हें कोई नाराजगी नहीं है बल्कि ये उनका दर्द है। तुषार गांधी ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि बापू ही खादी ग्रामोद्योग को राम राम कहते। आज तक संवाददाता वीरेंद्र सिंह गुनावत ने की उनसे खास बातचीत, सुनिए। खादी उद्योग के वॉल कैलेंडर और डायरी से अचानक फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी गायब हो गए हैं। उनकी जगह अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चरखा चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बात को लेकर गांधी जी के पर पोते तुषार गांधी जी का क्या कहना है, ये जानने के लिए इस वक्त हम उनके साथ हैं। सर, आज तक से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका पहला रिएक्शन सर? मेरा रिएक्शन तो ये है कि बापू का जो चरखा था वो तो एक उपजाऊ यंत्र था, जो आजादी का की लड़ाई का प्रतीक था। ये तो महज एक प्रॉप है, जो एक फोटोग्राफिक एड बना के रखा गया है। जब से ये बात सुनी है तब से वो पुरानी फिल्म जो बालक थी उसका एक गाना मेरे दिमाग में बजता रहा है। उसकी दो पंक्तियां मैं दोहराना चाहूंगा कि तेरी तकली ठगों ने ठग ली, तेरी बकरी ले गया चोर, सुन ले बापू ये पैगाम मेरी चिट्ठी तेरे नाम, चिट्ठी में सबसे पहले लिखता तुझको राम राम। तो मुझे लगता है अब वक्त हो गया है कि बापू खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन को राम राम कह दे। वैसे भी खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने बापू की खादी को लाचार खादी बना देने में अपना सहयोग बखूबी निभाया है इतने सालों से। तो अब जिस खादी का सिंबल वो लोग प्राइम मिनिस्टर को बनाना चाहते हैं वो बापू की खादी रही ही नहीं है, तो अब वो जो चाहे कर सकते हैं। वहीं खादी ग्राम उद्योग के कैलेंडर पर प्रधानमंत्री की तस्वीर पर मचे बवाल पर लघु उद्योग मंत्री कलराज मिश्र ने खुद सफाई दी है। उन्होंने कहा कि मोदी देश में प्रगति के प्रतीक हैं। उन्होंने 2.5 साल में खादी के प्रचार प्रसार के लिए काफी काम किया है। आज तक संवाददाता अशोक सिंघल ने की उनसे खास बातचीत। खादी ग्राम उद्योग के कैलेंडर और डायरी पर गांधी की जगह मोदी का फोटो लगा दिया गया है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के मिनिस्टर कलराज मिश्रा जी। कलराज जी, गांधी की जगह क्या मोदी ले सकते हैं खादी ग्राम उद्योग? गांधी जी की जगह मोदी जी का लगाया गया ऐसा नहीं है, मोदी जी के लगाया गया। गांधी जी का अपना एक अलग स्थान है, क्योंकि अभी पूरा मैंने देखा नहीं है, देखने के पश्चात ही फिर मैं इसको बता सकूंगा। पहले तो गांधी जी का कैलेंडर में जो हर महीने का होता है उस महीने के हिसाब से एक पर मोदी जी का है। और मैं हाँ, आप देख लीजिएगा, अब मैं देख लेता हूँ उसके पश्चात ही बताऊंगा। गांधी जी का स्थान कोई नहीं ले सकता है। नहीं तो अगर इसको ठीक करने की जरूरत पड़ेगी दोबारा से गांधी जी का फोटो लगाया जाएगा मोदी जी का हटा कर? लगता ही है, और मैं समझता हूँ कि महीने के हिसाब से किस महीने के अंतर्गत किसका है इसको देखने के पश्चात ही मैं छुट्टी होगी तो ठीक कर सकते हैं। मैं उसको देख लूंगा, देखने के पश्चात ही कोई बात करूंगा, देखने के पश्चात ही मैं बताऊंगा आपको। शिवसेना और दूसरी पार्टियों ने भी सवाल खड़ा किया कि ये पाप है, गांधी जी का स्थान कोई नहीं ले सकता। जिस नहीं खड़ा होता वो लोग ये इस प्रकार की भाषा बोलकर मैं समझता हूँ कि अपने को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन गांधी जी का अपना एक स्थान है, अगर कहीं वहाँ देख लेता हूँ क्या स्थिति बनी है उसको करने का प्रयास होगा। गांधी जी का स्थान है, गांधी का स्थान कौन ले सकता है?